तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर हैं जो व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल एक सेल्फी के बेस पर 1,000-2,000 रुपए का लोन दे देती हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशन जो मेरे देखने में आया है फ्रॉड पाई जाती हैं, फर्जी पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी NBFCs भी हैं जो व्यक्ति को 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 रुपए तक का लोन आसानी से दे देती हैं। अभी हमने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको ये क्लियर किया है, अगर आपने किसी बैंक NBFC से किसी प्रकार का कोई ऐसा लोन दिया है जिसमें आपने कोई गारंटी नहीं दी बैंक को, वो एक अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में है, और अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, आपकी मजबूरी है, आप जानबूझ करके पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक और NBFCs आपके ऊपर किसी प्रकार की ना तो FIR दर्ज करा सकता और ना ही आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित करा सकता। अगर ऐसा करता है तो पूरे तरीके से गैरकानूनी है, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है। अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अभिजीत कुमार। अभिजीत कुमार का मुझे ईमेल आता है और अभिजीत कुमार बताते हैं, मैंने आज से 2-3 साल पहले एक तो DMI फाइनेंस और एक होम क्रेडिट से, एक से मेरा लोन 1.5 लाख रुपये तक का था और एक से मेरा लोन 2 लाख रुपये तक का था। मेरी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड आने के बाद में पूरी तरह से जो मेरे लोन्स थे कंटिन्यू तो पेमेंट किए जा रहे थे, लेकिन अचानक से लोन डिफ़ॉल्ट हो गए। जब लोन डिफ़ॉल्ट हो गए मेरा बिजनेस व्यापार पूरे तरीके से ठप हो गया, मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मुझे लगातार रिकवरी एजेंट कॉल करके परेशान करते रहे, मुझे मेंटली हरास करते रहे, मुझे डिस्टर्ब करते रहे, मेरे पूरे तरीके से मान सम्मान को इन्होंने चोट पहुंचा करके रख दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने पूरी तरह से रेंट पर मकान लिया हुआ था और मैंने जो अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही अपडेट करा रखा था। अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई मेरे पास में पैसा वैसा तो है नहीं, मैं कहीं और चला जाऊं, किसी और प्लेस पे चला जाऊं और ये नंबर वगैरह बंद कर दूं, क्योंकि रिकवरी एजेंटों ने तो बहुत ज़्यादा जीना हराम कर दिया और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने ऐसा ही किया, मैंने एक नंबर ले लिया और नंबर मैंने लिया किसके नाम पर, अपने भाई के आधार कार्ड पर। ठीक है, जब मैंने नंबर भाई के आधार कार्ड पर लिया पूरी तरह से, तो मुझे ना तो कोई कॉल आई और ना ही मेरे पास में कोई रिकवरी एजेंट विजिट किया और ना ही मुझे कोई दिक्कत हुई। मैं बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी रहा था, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब दिक्कत परेशानी मुझे नहीं आ रही थी और मुझे काफ़ी मतलब बेटर फील हो रहा था। मेरा एक मित्र है जिस पर मेरा वो नंबर था और वो मेरा मित्र काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, तो एक दिन मेरे उस मित्र का कॉल आता है कि जहाँ पर भैया आप रहते थे ऐसे ऐसे मकान मालिक के घर पे मतलब कुछ रिकवरी एजेंट आए हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं इस सब चीज़ों को देख करके काफ़ी डर गया, घबरा गया, पता नहीं अब ऐसा क्या हो जाएगा, कहीं मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं हो जाएगा। अंततः मकान मालिक ने भी क्लियर कर दिया कि हम उस बंदे को नहीं जानते, भाई अब रहता नहीं, किराए पर रहता था काफ़ी टाइम से, अचानक से काफ़ी टाइम से गायब है और यहाँ पे है नहीं। तो प्रॉपर उन्होंने डिटेल वगैरह कलेक्ट करके मेरे खिलाफ़ शिकायत दर्ज करा दी। जब मेरे खिलाफ़ शिकायत दर्ज करा दी तो पुलिस ने प्रॉपर डिटेल वगैरह निकाल करके मुझे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में मुझे अब बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है रिकवरी एजेंटों के द्वारा। मेरा प्रॉपर एड्रेस वगैरह भी निकाल लिया गया है, अब मैं क्या करूं। और इन्होंने मुझे एक नोटिस भी दिया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि आपने हमारे साथ में 400 BC की है और आपने हमारे साथ में फ्रॉड कर दिया है, अब हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम लगातार आपको कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा है। अब मैं क्या करूं बताइए, इसका कोई ऑप्शन है आपके पास में, कोई उपाय है आपके पास में? दोस्तों देखिए, आपको हम अक्सर कहते हैं, अगर आपने किसी भी बैंक NBFC से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डरे घबराएं बिल्कुल नहीं, वाया ईमेल या फिर लिखित में बैंक या NBFC को आप बता दें कि देखिए मेरी ये समस्या है और मैं इस प्रकार से अभी पैसा देने में असमर्थ हूँ, मेरा कोई पैसे वगैरह का मतलब अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका पैसा दे दूँ, परंतु मुझे इस प्रकार से लोन रिकवरी के लिए जो आप उत्पीड़न करा रहे हैं, जो रिकवरी एजेंट मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सब चीज़ें ना की जाएँ, अन्यथा मैं पूरे तरीके से मतलब परेशानी में आ जाऊँगा और मुझे काफ़ी दिक्कतें बन सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप करें प्रॉपर वे में। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्स नहीं करोगे, एक तो आपने उसका पैसा ले लिया, आप घर छोड़ करके भाग जाओगे, तो बताओ कहीं ना कहीं से तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी डिटेल निकलवाए गई, कहीं ना कहीं से तो उसको बंदा चाहिए ही, तो बताओ क्यों ना आपके ऊपर वो एक्शन लेगा, बताओ मुझे।
भैया आपने लोन लिया है, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप चोरों की तरह मुंह छिपाते फिरो। भैया लोन लिया है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, भाई आप उसका इंटरेस्ट दे देंगे, कुछ बैंक से वक्त मांगो, NBFC से वक्त मांगो। लेकिन आप ये अनसिक्योर को लेकर के बैंक पूरे तरीके से एक्शंस नहीं ले सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कुछ सिनेरियो में बैंक कार्रवाई नहीं कर सकते। किन सिनेरियो में कार्रवाई नहीं कर सकते? देखिए, अगर आपके पास में कोई पैसा ना हो, आपकी जो पूरे तरीके से फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ख़राब हो चुकी हो, लेकिन अगर आप बैंक के साथ में चालाकी करेंगे, इस प्रकार से आप करेंगे, तो बैंक क्या समझेगा भाई आपको? तो बैंक फर्जीवाड़ा ही समझेगा कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, इनके पास में एक ऑप्शन क्या है, ये जो पिछले काफ़ी टाइम से इस तरीके से पागल बना रहे थे और इस तरीके की इन्होंने हरकत की, अब इनके पास में बचने का एक ही ऑप्शन है। जो भी इन बैंक, जो भी ये NBFC हैं दोनों, DMI और होम क्रेडिट, इनका जो प्रॉपर अमाउंट है वो पे कर दें। अगर प्रॉपर पे नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं कि फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहें और पूरी तरीके से इनको कोई दिक्कत ना आए, तो ये पूरी तरह से देखिए फुल पेमेंट ही करेंगे, तभी इनके पास में ये सब चीज़ें हैं और ये फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मतलब इनका सिबिल स्कोर में भी कोई अगर प्रभाव पड़ गया है तो वो सुधर जाएगा। अगर ये फाइनेंशियली कोई मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहना चाहते, चाहते हैं कि भाई बस इन्हें छुटकारा मिल जाए, तो जो भी सेटलमेंट का अमाउंट है वो पे कर दें, लेकिन अभी ये रिटर्न में दिक्कत दे दें कि देखिए मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मेरा कोई फर्जीवाड़ा करने का इरादा नहीं था, लेकिन जब मेरे पैसा वगैरह नहीं थे तो मैं वहाँ पर नहीं रह पाया और मुझे काफ़ी दिक्कत आई, इस वजह से मैंने मकान छोड़ दिया था, और बस अपने आप को बेहतर करने के लिए मतलब एक अच्छे तरीके से एडवोकेट से सलाह करके एक नोटिस वगैरह प्रॉपर तरीके से तैयार करें, जैसे बैंक ने आपको नोटिस दिया है आप उन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे दें बाया नोटिस, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे, अगर आप सोचते हो कि बैंक और NBFC को मैंने पागल बना दिया, ये कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। देखो जैसे कि इनके साथ में हुआ भाई, देखो पुलिस भी आ गई और बेचारा जो मकान मालिक था उसको तो दिक्कत हुई हुई, इन्होंने बहुत सी दिक्कतें क्रिएट कर दी, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। दोस्तों बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, आपकी जो क्वेरीज हैं हम दिन प्रतिदिन सॉर्ट आउट करते हैं और काफ़ी लोग हमें ईमेल करते हैं, अगर उनको थोड़ा ईमेल मिलने में थोड़ी देरी हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। अभी भी देखिए मैं जो ये पूरे तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी मतलब टाइम हो चुका है, शायद दिख भी नहीं पा रहा होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। अब सुबह के टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 4:40 हो रहे हैं, 4:40 पे इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी लोगों के ईमेल्स के जवाब भी देने होते हैं और बंदा बात भी करता है, तो टाइमिंग वगैरह का थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। और अगर आपने पेमेंट किया है, आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई है, टाइम मिल गया है, तो आप डरे घबराए ना, आपको पूरे तरीके से हमारे द्वारा कॉल करके एडवाइस ज़रूर कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप भी हमसे किसी प्रकार की पर्सनली एडवाइस चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कॉल पर, आप वीडियोस देख करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं करा पा रहे हैं, तो आप हमारी ईमेल आईडी jajanshakti@hotmail.com पर ईमेल कर दीजिएगा, हमारे द्वारा 48 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से जवाब दे दिया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। जैसे ही आप हमें ईमेल करेंगे, अमाउंट पूरे तरीके से आपको बता दिया जाएगा और अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपकी जो प्रॉब्लम है 48 घंटे के अंदर अंदर हम शॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करेंगे। गाइज, आपको ईमेल में क्या क्या देना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और जो आपका करंट प्रॉब्लम है वो देना है, और एक छोटा सा अमाउंट जो है हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा, फिर आप उसको पूरे तरीके जब हमारे ईमेल के द्वारा जो आपको रिप्लाई जाएगा उस पर पेमेंट कर देते हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हमारे द्वारा कर दिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से हम सॉर्ट आउट करा देंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप समझ गए होंगे कि बैंक NBFC लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर आप पूरे तरीके से इस प्रकार की हरकत करेंगे तो। धन्यवाद।